So now the first para says, I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. So मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा. The writer is saying कि I will start with, यानी कि मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा किससे? Bruno से. Bruno कौन है? बताया गया है Bruno is my wife's pet sloth bear. तो Bruno जो है मेरे wife का, ठीक है, उसका sloth bear, जो कि एक उसका pet है, यानी कि पालतू sloth bear है. I got him for her by accident. और मुझे वो एक accident में मिला था. 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. Mysore आपको पता है कहाँ पर है? कोई बता पाएगा? सॉरी, साउथ. साउथ वेस्ट तब होता जब आप थोड़े ऊपर को जाते. और आप अभी बात कर रहे हैं मैसूर की, जो कि कर्नाटक में है. कर्नाटक इंडिया के साउथ में पड़ता है, ना कि साउथ वेस्ट में पड़ता है. और थोड़ा हल्का सा ऊपर को जाते अगर आप लेफ्ट साइड में, तो फिर आप कह सकती थी कि साउथ वेस्ट में है ये. ये साउथ वेस्ट में नहीं है, बल्कि कहाँ है? साउथ में है. तो 2 years ago, 2 साल पहले की बात कर रहा है राइटर, जब वो सुगर केन फील्ड से पार कर रहे थे. कहां पर? मैसूर में. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम. लोग क्या कर रहे थे? ड्राइविंग अवे, यानी कि भगा रहे थे. ड्राइविंग अवे का मतलब गाड़ी चलाना नहीं है, यहां पर भगाना है. तो लोग क्या कर रहे थे? भगा रहे थे किसको? जंगली सुअर को. कहां से? अपने खेतों से. बाय शूटिंग देम, उन्हें उन पर गोलियां चलाकर. सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड. कुछ तो उसमें से मारे गए और कुछ भाग गए. वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर. हमें लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है. व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बेयर कम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन. ठीक उसी वक्त क्या हुआ? एकदम से हाफता हुआ. पैंटिंग का अर्थ होता है हाफना. हाफता हुआ एकदम से एक काले रंग का स्लॉथ बेयर निकल कर बाहर आया. वो हाफ क्यों रहा था? क्योंकि वो कड़ी धूप में था और कड़ी धूप की वजह से वो हाफ रहा था. तो दिस इज द फर्स्ट पैरा ऑफ द स्टोरी. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू मे आस्क. Now next, now I will not shoot a sloth bear once only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. मतलब क्या है? Now मैं एक ऐसे इंसानों की गिनती में आता हूं जो कि बेवजह, वांट ओनली मतलब बिना किसी कारण के, बेवजह, ठीक है, यहाँ लिखा भी है फॉर नो गुड रीजन. और हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हो तो बिना किसी कारण के. तो बेवजह या बिना किसी कारण के मैं कभी भी नहीं मारूंगा किसी एक, या पुआ मतलब गरीब नहीं है, बेचारा है, किसी एक बेचारे जानवर को. लेकिन किस्मत उसकी अच्छी नहीं थी, अनफॉर्चुनेटली, यानी कि उसकी किस्मत, उस बीस्ट की, उस जानवर की किस्मत बहुत ही बुरी थी कि मेरा एक दोस्त, वन ऑफ माय कंपेनियंस, यानी मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त. तो यहां पर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे होंगे. यहां पर हमने वन यूज किया है, लेकिन यहां पर हमने कंपेनियंस बोला है. और इसके साथ हमेशा जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज होता है. आप बोलना चाह रहे हैं एक, लेकिन आपके बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त, इसीलिए आपने कहा है वन ऑफ माय कंपेनियंस. कई बार आप बोलते हैं वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, वन ऑफ माय टीचर्स, वन ऑफ माय चिल्ड्रंस, वन ऑफ माय, जो भी आप बोलना चाहो. लेकिन जब आप वन ऑफ माय के बाद जो भी सब्जेक्ट लगाते हो वो प्लूरल होता है. लेकिन ये प्लूरल होने का मतलब ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है. बेसिकली आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आप बात कर रहे हो बहुतों में से किसी एक की. इसीलिए इसके साथ जो वर्ब लगता है, हमेशा याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब लगता है. ये आपने बहुत पहले पढ़ रखा होगा क्लास 8 में.
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। एनीवे तो मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त ऐसा भी था जो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करता था अबाउट इट, यानी इस विषय में। किस विषय की बात हो रही है यहाँ पर? इस बेचारे से जानवर को ना मारने के बारे में, ठीक है। बहुत लोग जानवरों के बारे में वैसा फील नहीं करते हैं, क्या जानवर है यार, नहीं करिया मार, बट राइटर ऐसा नहीं था। एनीवे तो एंड प्रॉम्प्टली मतलब एकाएक, अचानक से, सडनली, ठीक है, प्रॉम्प्टली मीन सडनली, और एकाएक उसने क्या कर दिया, बेयर को वहीं पर शूट कर दिया ऑन द स्पॉट। देखिए कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे।